पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं मैंने किसी पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आए भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो भी आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे आप, अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से इसी तरह से आलोकित और सुगंधित होकर रहे। आज यह विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने के नाते आपके सामने चुनौती है कि इस सामाजिक समस्या का समाधान आप किस तरह से निकालते हैं। आज आपके वाले अनुयायी नहीं है, आप शोधकर्ता हैं, प्रमोट बनाने वाले हैं, तो ये एनटीपीसी के चेयरमैन लेकर तमाम ऊर्जा को फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह की प्रतिभाओं के सामने मैं ये प्रश्न, एक से प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा आप किस तरह से इन यंत्रों से के माध्यम से कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय मंजू भाई पटेल जी का हृदय से स्वागत करते हुए आपकी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।